किस दिशा में रखें गणेश लक्ष्मी की मूर्ति, कैसे रखें मूर्ति जिससे मिलेगा लाभ, मंदिर में मूर्ति रखने का जाने उपाय। शास्त्रों के अनुसार गणेश लक्ष्मी की मूर्ति को शुभ लाभ का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इनका सही दिशा में होना बहुत ही जरूरी माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि मंदिर में देवी लक्ष्मी की मूर्ति यदि सही दिशा में हो तो विशेष लाभ और धन की प्राप्ति होती है। आइए आपको बताते हैं कि गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति को किस दिशा में रखना चाहिए और सबसे उत्तम इसमें क्या होगा। हिंदू धर्म मान्यताओं में गणेश जी को ज्ञान का देवता माना गया है और माँ लक्ष्मी को धन और ऐश्वर्य की देवी माना जाता है। दोनों पूजा घर में एक साथ रखे जा सकते हैं और विशेष शुभ मुहूर्त जैसे दीपावली और अक्षय तृतीया पर इनकी पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि यदि व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं होगा तो वह धन का प्रयोग गलत कार्यों में कर सकता है, इसलिए गणेश जी और माता लक्ष्मी को पूजा के स्थान में साथ रखा जाता है। मंदिर में गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति को एक साथ रखी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गणेश जी और मां लक्ष्मी की मूर्ति को मंदिर में उत्तर दिशा में रखना चाहिए। इस मान्यता के पीछे भी एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार एक बार शिवजी ने गुस्से में आकर गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया था। फिर जब उन्हें पता चला कि ये उनके ही पुत्र हैं, तो उन्होंने अपने दूतों को उत्तर दिशा में भेजकर कहा कि इस दिशा में जो सबसे पहले मिल जाए उसका ही धड़ लेकर आओ। शिवजी की आज्ञा का पालन करते हुए उनके दूत एरावत हाथी का धड़ लेकर आए। उत्तर दिशा में सबसे पहले धड़ मिलने की वजह से गणेश जी को रखने के लिए उत्तर दिशा सबसे शुभ मानी जाती है। कई बार ऐसा होता है कि लोग अज्ञानतावश मां लक्ष्मी जी की मूर्ति को गणेश जी के बाईं ओर रख देते हैं। ऐसा करने से घर की आर्थिक दशा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। दरअसल पुरुषों के बाईं ओर उनकी पत्नी को बिठाया जाता है, जबकि लक्ष्मी जी गणेश जी की पत्नी नहीं है, इसलिए उनको गणेश जी के बाईं ओर बिठाने से आपके धन की स्थिति बिगड़ने लगती है और घर में कंगाली होने लगती है। इसलिए याद से मां लक्ष्मी की प्रतिमा को गणेश जी के दाईं ओर ही रखें।